अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब नजर डालते हैं तफसील पर। भैंसा शहर के बीजेपी कायदीन की जानिब से छत्रपति शिवाजी की यौम पैदाइश तकरीब का पुरजोश एहतमाम किया गया। इस मौके पर निर्मल चौरस्ते पर मौजूद शिवाजी की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर खिराजी अकीदत पेश की गई। इस दौरान सैकड़ों अफराद के हाथों में जाफरानी झंडे भी देखे गए। इस तकरीब से खिताब करते हुए निर्मल जिले सदर बीजेपी रमा देवी और भैंसा टाउन सदर बालाजी सूत्रे ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए शिवाजी की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। इस मौके पर जिले नायब सदर भूषण बालाजी पटेल, मल्ले संपत पटेल, एम अनिल कुमार, नुमाइंदे कौंसलर राव पोसटी, साहेब राव सत्यनारायण, लक्ष्मण भोजन्ना, नंदू भैया नारायण के अलावा दिगर मौजूद थे। वैसे से हमारे नुमाइंदे मुशरफुद्दीन की रिपोर्ट। निर्मल शहर के गल्सवा नखामती स्कूल में आज हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप महकमे सेहत की जिम्मेदार रागनी की निगरानी में अमल में आया। इस कैंप में तुलबा की मुकम्मल जांच करते हुए माहौल को सेहतमंद बनाने की कोशिश की गई। इस मौके पर मुतहदा जिले कोऑर्डिनेटर सलीमुद्दीन, एकेडमी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रफीक, प्रिंसिपल शौकत हुसैन खान के अलावा दिगर मौजूद थे। निर्मल से हमारे नुमाइंदे अली पाशा खादरी की रिपोर्ट। निर्मल शहर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की आज जेर सदारत सोसाइटी बानी मोहम्मद उस्मान वर्किंग कमेटी इजलास मुनक्किद किया गया। तमाम अरकान की मुत्तफ़िका राय पर सोसाइटी सदर की हैसियत से मोहम्मद बिन अली का इंतखाब अमल में आया, जबकि नायब सदर सैयद अमीन बाबा, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज़, जॉइंट सेक्रेटरी अलमास अहमद के अलावा मेम्बरान में शेख शादुल्ला, मोहम्मद वखारुद्दीन के नाम शामिल हैं। इस मौके पर सोसाइटी बानी मोहम्मद उस्मान ने खिताब करते हुए इस सोसाइटी के मकसद पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि सोसाइटी निर्मल शहर आतरा वागनाफ में पिछले 18 सालों से बिला लिहाज खिदमत अंजाम देती हुई आ रही है। निर्मल से नुमाइंदे अली पाशा खादरी की रिपोर्ट। सैयद चांद पाशा और सेक्रेटरी सैयद इम्तियाज की निगरानी में टाउन बॉडी तश्कील दी गई और जिसमें हमारे चर्च को सदर बनाया गया और नायब सदर सैयद अमीन साहब को बनाया गया और जनरल सेक्रेटरी मुझे और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। हम लोग हर वो फर्द तक पहुंचेंगे जो हमारे सोसाइटी का मिशन है। सिख, मुस्लिम, हिंदू सब के लिए काम करेंगे और जो मकसद है सोसाइटी का तश्कील का वहां तक पहुंचेंगे और उसको पूरा करेंगे। और इसी बात पर मैं सर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कलाम गुनम एजुकेशनल एंड यूथ वेलफेयर सोसाइटी निर्मल జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్మల్ పట్టణంలోని ఎస్టీ భవనంలో ప్రత్యేక సమావేశాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఈ సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము నిర్మల్ పట్టణ నూతన కార్యవర్గము ఏర్పాటు. అయితే ఈ కార్యవర్గ ఏర్పాటు సమావేశంలో నిర్మల్ పట్టణానికి సంబంధించి పలు అంశాలను చేర్చి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్యంగా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఆయా విషయాలపై సామాజిక సేవ భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. जगत्याल शहर में बहुजन समाज पार्टी की जानिब से छत्रपति शिवाजी की 392वीं यौम पैदाइश तकरीब का पुरजोश अहतमाम किया गया। इस तकरीब में
मेहमान खसूसी की हिस्से से बहुजन समाज पार्टी रियासती कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर एस प्रवीण ने शिरकत की। इस मौके पर जगताल जिले सदर पी लंबादरी के अलावा दिगर मौजूद थे। मेटपुरी से मनुमान दे फिरोज खान की रिपोर्ट। చాలా బీద కుటుంబాలకు చెందినటువంటి బిడ్డను ఎవరెస్ట్ శిఖరాలకు ఎక్కించిన మహానుభావుడు మన ఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వస్తాను. మనం దయచేసి బీసీ వర్గానికి చెందిన 50% పైన ఉన్నదం టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు ఎవర్ పార్టీలు అగ్రవర్ణాలకు చెందిన పార్టీలు అదే వాళ్ళ చేతుల కింద వాళ్ళ కాళ్ళ కింద మనం ఎన్నెన్ని జెండాలు కడతాము ఎన్నెన్ని ఫ్లెక్సులు కడతాం వాళ్ళ పార్టీలై దయచేసి మీరు ఒక్కసారి మనం ఆలోచించండి. మన బీసీల మేకమైతే బీసీలతో పాటు ఎస్టీలు మైనార్టీలు అగ్రవర్ణ కులాల్లో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలు కూడా మన బహుజన సమాజ్ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తే మన సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కుమార్ సార్ గారు మన సార్ మన ముఖ్యమంత్రి అయితే మన బీసీల బిడ్డలు గవర్నమెంట్ గీత చెట్లకు పాటు చెట్లు ఇంత చెట్లకి గీత.